गुड आफ्टरनून फ्रेंड, गुड आफ्टरनून. माय सेल्फ राजेश पाल, लाइफ प्रोफेशन आई एम अ स्टूडेंट, आई बिलोंग टू रीवा फ्रॉम एमपी. जैसे दोस्तों देखा है, हम लोग सभी लोग आए हैं कुछ ना कुछ अपना सोच के लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग, है ना. तो हम लोग को जब मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, तब हम लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं. एक मौके से रिलेटेड एक कहानी बताना चाहूंगा आप लोगों को. ठीक, तो एक क्या होता है, राजा प्रजा के जब जमाना चलता था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि राजा मतलब अपने राज्य का प्रमुख होता था. उसी दरमियान उसके जो कुछ प्रजाएं थी, उनमें से मार्क किया गया कि हमारी इच्छा का मार्ग जो हम मार्क कह रहे हैं, उसको हमारा सारा चीज हमको मिलना चाहिए. ठीक, राजा भी कन्विंस हुआ, बोला ठीक आप जो मांगी वो होगा, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें होंगी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. ठीक, तो उसकी शर्त क्या थी कि आपको क्या करना है, जो हम शर्त देंगे उसको आपको मतलब क्या करना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको पूरा भी करना पड़ेगा, तभी आप जो मांगेंगे सारा चीज आपको मिलने वाला है. तो ठीक, उस शर्त क्या थी राजा की, कि जो हम तीन आपको बैल छोड़ेंगे, उन तीनों बैलों में से एक बैल की आपको पूंछ पकड़ के आपको दिखाना पड़ेगा. अगर आप तीन में से एक भी बैल का पूंछ पकड़ के दिखाएंगे और उसको रोक लेंगे, तो आप जो मुंह मांगा कोशिश करेंगे मांगने का, वो सारा चीज आपको मिलने वाला है. तो ठीक, जैसे प्रजा के सामने बैल छोड़ा जाता है, फर्स्ट बैल आता है, अच्छा खासा देखा तो हट्टा कट्टा होता है, और अच्छा खासा देखा तो अच्छी पर्सनैलिटी उसकी रहती है. आता है तो फर्स्ट जो आदमी होता है, प्रजा जो जिसको बोला जाए, तो क्या करता है, अपना कॉन्फिडेंस वहां से हार जाता है. भाई ये तो बहुत ज्यादा मतलब बॉडी वाला डील वाला है, इसको तो हम छू भी नहीं पाएंगे, इसको हम पूछ कैसे पकड़ पाएंगे. बोलता है भी दो आने वाले हैं, ठीक इसको हम जाने देते हैं. तो क्या किया उसने, फर्स्ट मौका अपना गवा दिया, छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन अभी बच रहे हैं. ठीक, उसको जो सेकंड ऑप्शन आया, तो उसको देखा वो कि वो तो और से ज्यादा खूंखार था. वो तो देखते हुए से मतलब बोला तो दहाड़ते और देखा तो कूदते हुए आया, उसको तो पूंछ पकड़ने के प्रयास कर, लेकिन वो कूद के उसको ही क्रॉस करके चला गया. क्यों? क्योंकि अच्छा खासा बलशाली था, उसको ही तड़क उसको मतलब क्रॉस करके चला गया, उसका पूंछ तक वो टच करने को नहीं पाया. जो थर्ड था, थर्ड थोड़ा नाजुक था, थोड़ा बोले तो उससे कम डील डाल वाला था, थोड़ा बोले तो कमजोर टाइप का था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, उसके पास पूंछ ही नहीं था. देखा तो उसको क्या शर्त रखी गई थी, उसके पास पूंछ पकड़ना है. दो मौके उसने गवा दिए, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन आया उसके पास वही चीज नहीं बचा जो उसके लिए वो प्रयास करने के लिए जा रहा था. उसके पास क्या हुआ, पूंछ ही नहीं पकड़ पाया, जिससे क्या वो शर्त में क्या हुआ, वो फेल हो गया. तो क्या उसकी मांगी पूरी होंगी जो मांगा गया था? नहीं. उसी प्रकार से हमें सिस्टम मिला हुआ है. अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे ये भी कर ले वो भी कर ले, हम क्या करेंगे, सिस्टम को लीव कर जाएंगे, और कुछ कुछ ना कुछ बहाने से हम क्या करेंगे, आना छोड़ देंगे. कुछ ना कुछ बहाने से हम काम नहीं करेंगे, सीनियर का बात नहीं माने, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मौके पर हम गवा देंगे. तो हम लोग को जो भी मौका मिला हुआ, उसको पहले तो हमको समझना है, और जो भी हमको नहीं है तो उनको सीखना है. मौके को आप भुनाइए, ना कि गवाइए. ठीक, मेरा ये संदेश था आप लोगों के लिए.